ये ऐसा सवाल है कि अक्सर वो बेशतर लोग इससे जूझ रहे हैं, इससे परेशान हैं। लोग आते हैं, किसी के मियाँ बीवी के झगड़े हैं, किसी के माँ बाप वालदेन से झगड़ा है, कोई बच्चों की शिकायतें कर रहा है, कोई पड़ोसी से झगड़ रहा है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो पारिवारिक जीवन जिनका शांतिपूर्ण है। हम जब देखते हैं कि हमारी सेहत खराब हो रही है तो हम उसके लिए भागदौड़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन समाज तो परिवार में जो अशांति है इसको कम लोग महसूस कर पाते हैं, इसके वो आदि हो चुके हैं। ये हकीकत है कि परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है। अगर तुम शांति चाहते हो, फौजी कबीर चाहते हो तुम्हारे समस्या है, लो उसका सिद्धांत बता दिया गया है, मकूलू कौलत सदीदा, कि जुबान का इस्तेमाल तुम्हारा सही होना चाहिए। घरों में ज्यादातर झगड़े जो होते हैं उसके पीछे जबान है। गीबत, बुराइयां करना, गुस्से में कौल फल बक देना, चुगलखोरी कर लेना, डांट टप्पड़ कर देना, क्या बच्चों को क्यों ना हो, बेअदबी कर देना जबान से, घरों में जो बुनियादी चीज है जिससे घर खराब होते हैं वो आदमी की बदजुबानी है, जबान का गलत इस्तेमाल है। कुरान ने कहा तुम एक दूसरे के हिस्सा हो, तो हम एक दूसरे का हिस्सा है तो हम अपने जिस्म को कभी को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो हम अपने परिवार के किसी फर्द को हम जब गैर समझेंगे तो उसको तकलीफ देंगे, अपना समझेंगे तो तकलीफ नहीं देंगे। एक बात, दूसरी बात हमको ये समझनी होगी कि हम परिवार में जो काम करते हैं, रहते हैं, सहते हैं, यही हमारा इम्तिहान है। घर में हमारा इम्तिहान ये है कि हम सबके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, सबको बैलेंस रखना, सबके साथ इंसाफ के साथ मामला करना, ये इस्लाम कहते हैं। हम इसी में कामयाबी है। हमारे जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी हमको तालीमात दी हैं। वो कहा कि तुम में बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, जिसके घर वाले तारीफ करें, उससे मुतमईन हों, वो जब घर में जाए तो घर में लोग खिल उठें, आप आ गए, अब्बू आ गए, दादा आ गए, घर के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हो। प्यारे नबी का तरीका था कि चीज़ पसंद नहीं है तो कम खा लिया आपने।